क्रिकेट की दुनिया यानी गेम ऑफ क्रिकेट में आपका स्वागत है। आईपीएल 2021 का रंग पूरे शबाब पर है। महेंद्र सिंह धोनी की टीम चेन्नई सुपर किंग्स हमेशा की तरह इस बार भी प्लेऑफ में जाने वाली चार टीमों में से एक फेवरेट मानी जा रही है, क्योंकि वहां कप्तानी धोनी करते हैं और लंबे इंतजार के बाद इस सीजन सीएसके का दूसरा मैच आज शाम होने जा रहा है। पहले मैच के 6 दिन बाद सीएसके का मैच हो रहा है और पहले मैच में दिल्ली के खिलाफ सीएसके ने अच्छा स्कोर बनाया था, लेकिन फिर भी चेन्नई की टीम हार गई। लेकिन यहाँ महेंद्र सिंह धोनी दूसरे मैच के लिए बड़ा दांव खेल रहे हैं। माही ने वो फैसला लिया है जिसके लिए कोई अन्य कप्तान कई और मैचों तक इंतजार करता, मगर धोनी ने पहले ही मैच के बाद बड़ा फैसला ले लिया है। ओपनिंग जोड़ी बदल दी है, मिडिल ऑर्डर बदल दिया है, यहाँ तक कि गेंदबाजी लाइनअप भी बदल दिया है। तो क्या हुआ सीएसके की टीम में बदलाव? किस विदेशी खिलाड़ी की कराई शानदार एंट्री और क्या है आज के मैच के लिए सीएसके की टीम का कॉम्बिनेशन, आपको बताते हैं। आप इसे लेकर कमेंट जरूर करें और वीडियो को शेयर भी करें। तो चेन्नई सुपर किंग्स इस बार पूरी तरह से बदली हुई दिख रही है। सुरेश रैना को पहले ही टीम में एंट्री मिल चुकी है और मिडिल ऑर्डर रैना के आने से बेहद मजबूत हो गया। लेकिन मैच में अंतर लाने के लिए, एक्स फैक्टर लाने के लिए माही ने टीम में बड़ा बदलाव कर दिया है। सबसे पहले ओपनिंग जोड़ी की बात करते हैं तो चेन्नई के लिए आज के मैच में ओपनिंग स्लॉट में ऋतुराज गायकवाड़ तो बने हुए हैं, लेकिन दूसरे ओपनर को धोनी ने बदल दिया है। जी हां, ऋतुराज के साथ आने वाले फाफ डुप्लेसी को यहां पर बाहर किया गया है। जी हां, फाफ डुप्लेसी से बड़े खिलाड़ी को यहां पर धोनी ने टीम से बाहर किया है और सैम करन को यहां एक बार फिर से चेन्नई की टीम ने ओपनर बनाने का फैसला लिया है। करण ने पिछले साल दुबई में भी चेन्नई के लिए ओपनिंग की थी और एक बार फिर करण पर यहां धोनी बड़ी जिम्मेदारी डालने जा रहे हैं। हालांकि एक संभावना ये भी है कि अंबाती रायडू से भी ओपनिंग कराई जा सकती है, जिसके बाद सैम करन निचले ऑर्डर पर आएंगे। मगर इतना तय हो चुका है कि फाफ डुप्लेसी यहां पर बाहर होंगे और फाफ डुप्लेसी की जगह पर किसकी एंट्री हुई वो भी आपको बताएंगे। तीसरे नंबर पर मोइन अली पर धोनी का भरोसा बना हुआ है। मोइन पहला सीजन सीएसके के लिए खेल रहे हैं और मोइन अली पर तीसरे नंबर पर आकर ताबड़तोड़ खेल दिखाने की जिम्मेदारी होगी। चौथे नंबर पर सीएसके के लिए सुरेश रैना खेलने आएंगे, जो कि टीम के सबसे भरोसेमंद और लगातार खेल दिखाने वाले बल्लेबाज हैं और रैना पर पूरा मिडिल ऑर्डर डिपेंड करेगा। अब सैम करन ओपनिंग करेंगे तो फिर पांचवें नंबर पर अंबाती रायडू खेलने आएंगे। रायडू पर भी धोनी खासा भरोसा करते हैं और धोनी के ही भरोसे रायडू को टीम इंडिया में भी चुना गया था। जबकि छठे नंबर पर खुद महेंद्र सिंह धोनी खेलने आएंगे, जो कि पिछले मैच में 0 पर आउट हुए थे और यहां धोनी को बड़ी पारी खेलनी ही होगी। सातवें नंबर पर रविंद्र जडेजा खेलने आएंगे, जो कि अपनी चोट के बाद टीम में वापसी कर रहे हैं और चेन्नई के लिए रन बनाने के लिए बेताब हैं, तैयार हैं। वहीं आठवें नंबर पर ड्वेन ब्रावो खेलने आएंगे, जो कि लंबे छक्के लगाने में माहिर हैं। तो डेथ ओवरों के स्पेशलिस्ट ब्रावो को आठवें नंबर पर रखा गया है, यानी कि आठवें नंबर तक सीएसके के पास विशुद्ध बल्लेबाज मौजूद हैं। इसके बाद टीम में तीन तेज गेंदबाजों को रखा गया है और इसमें से भी दो खिलाड़ी अच्छी बल्लेबाजी भी कर लेते हैं। अब यहाँ पर पहले हैं इमरान ताहिर। जी हाँ, मुंबई की घूमती विकेट पर इमरान ताहिर को यहाँ पर खेलने का मौका मिल रहा है। फाफ डुप्लेसी की जगह पर लेग स्पिनर इमरान ताहिर आखिरकार दो सीजन के बाद टीम में वापसी कर रहे हैं। पिछले पूरे सीजन इमरान ताहिर ने एक भी मैच नहीं खेला था, मगर धोनी यहां पर इमरान ताहिर को टीम में लाकर जबरदस्त दांव खेल चुके हैं और एक्स फैक्टर टीम में लाने की पूरी कोशिश कर चुके हैं। वहीं शार्दुल ठाकुर और दीपक चाहर इसके बाद टीम में दो तेज गेंदबाज बने हुए हैं। दोनों ही खिलाड़ी अच्छी खासी बैटिंग कर लेते हैं, लंबे लंबे छक्के भी मार लेते हैं, यानी टीम में सभी खिलाड़ी बल्लेबाजी कर सकते हैं सिर्फ इमरान ताहिर को छोड़कर। वैसे एक बहुत बड़ी संभावना ये भी बन सकती है कि टीम में कोई बदलाव ही न हो। जी हाँ, धोनी ये भी कर सकते हैं। हो ये भी सकता है कि धोनी कोई बदलाव ही न करें और तब फाफ डुप्लेसी ओपन करेंगे और इमरान ताहिर को अगले कुछ मैचों तक खेलने के लिए इंतजार करना पड़ सकता है, लेकिन इसकी संभावना फिलहाल कम है क्योंकि इमरान ताहिर के खेलने पर फैसला लगभग हो चुका है। तो आपका क्या मानना है, इमरान ताहिर को खिलाने का फैसला कितना सही साबित हो सकता है, कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को अभी शेयर करें।
मुंबई के मैदान में खेला गया आईपीएल 2021 का दूसरा मैच बेहद शानदार हुआ और दिल्ली कैपिटल्स ने 7 विकेट से चेन्नई सुपर किंग्स को मात दे दी। अब ये मैच धोनी और ऋषभ की टीम के लिए सीजन का पहला मैच था और पंत तो पहली बार कप्तानी भी कर रहे थे, लेकिन ऋषभ की कप्तानी के साथ मैच में खेल भी शानदार रहा और दिल्ली ने बड़ी जीत हासिल कर ली। लेकिन इस मैच में जीत के बाद पंत ने जो खुलासा किया वो हैरान करने वाला था। जी हाँ, कप्तान ऋषभ पंत ने जीत को लेकर, दिल्ली की टीम को लेकर और महेंद्र सिंह धोनी को लेकर बड़ा खुलासा कर दिया और यहाँ तक कह दिया कि धोनी भाई की वजह से दिल्ली की टीम जीत पाई। जी हाँ, यही हैरानी भरी बात पंत ने कही, वो भी मंच से, और अपनी टीम की जीत का क्रेडिट धोनी को दे दिया। अब ऐसा क्या हुआ कि पंत ने धोनी का नाम लिया और मैदान में ऐसा क्या हो गया, आपको बताते हैं। आप भी इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट करके अपनी राय में जरूर दें। तो ये मैच ऋषभ पंत के लिए बतौर कप्तान पहला मैच था और पंत अभी सिर्फ 23 साल के हैं, लिहाजा उनके लिए बहुत बड़ा मुकाबला था। पंत धोनी के साथ टॉस के लिए आए तो बेहद खुश थे, टॉस जीतकर पहले फील्डिंग का फैसला कर लिया। अब ऋषभ का फैसला तभी सही साबित होता दिखा जब शुरुआत में ही चेन्नई के 2 विकेट गिर गए। हालांकि बाद में चेन्नई की टीम ने 188 रन बनाकर दिल्ली को बड़ा टारगेट दिया। अब यहां पर पहले मैच चेन्नई के पाले में दिख रहा था क्योंकि 200 के पास का स्कोर चेस करना इतना आसान नहीं होता, मगर दिल्ली के लिए शिखर और पृथ्वी ने शानदार शुरुआत दी और दिल्ली को मैच में आगे कर दिया। अब दिल्ली यहां पर बेहद आसानी से मैच जीत रही थी, लेकिन पहले पृथ्वी शॉ तो फिर शिखर धवन भी आउट हो गए और दोनों ही सेट बल्लेबाज पवेलियन लौट गए। क्रीज पर कप्तान ऋषभ पंत खुद आ चुके थे और मैच के बाद ऋषभ पंत ने खुद खुलासा किया है कि शिखर धवन के आउट होने के बाद वो नर्वस हो गए थे। जी हां, अपने पहले मैच में कप्तानी कर रहे पंत शिखर के आउट होने के बाद, सेट बल्लेबाज के आउट होने के बाद नर्वस हो गए थे, प्रेशर में आ गए थे क्योंकि तब भी जीत के लिए काफी रन की जरूरत थी और कप्तानी के प्रेशर में पंत को पसीना आने लगा था क्योंकि दोनों ही सेट बैट्समैन वापस लौट चुके थे। अब यहीं पर धोनी ने बड़ा कमाल कर दिया, या कहें कि दिलदार धोनी ने ऋषभ पंत को गुरु मंत्र दिया। जी हाँ, मैच के बाद हर्ष भोगले से बात करते हुए खुद ऋषभ ने बताया कि हाँ, मैं बीच मैदान में नर्वस हो गया था, शिखर के आउट होने के बाद थोड़ा सा परेशान हो गया था, लेकिन विकेट के पीछे माही भाई खड़े थे तो उनसे बात कर ली। माही भाई ने कंधे पर हाथ रखकर इतना ही कहा कि जल्दबाजी मत करना, आराम से खेलो, बस फिर क्या था। अपने हीरो, अपने मेंटोर से ये बातें सुनकर पंत का हौसला बढ़ गया और नर्वसनेस भी जाती रही। अब यहाँ पर हैरानी वाली बात ये भी है कि धोनी विरोधी टीम के कप्तान थे, यानी कि पंत का नर्वस होना धोनी के लिए अच्छी बात थी और धोनी चाहते तो ऋषभ को और ज्यादा नर्वस कर सकते थे, मगर यहाँ पर धोनी ने अपने विरोधी टीम के ही कप्तान को बीच मैच में, बीच मैदान में जीत के लिए टिप्स दे दिए और इसी के बाद पंत ने दिल्ली को अपनी कप्तानी में खेला गया पहला मैच जिता भी दिया। अब यहाँ पर बड़ी बात समझने वाली ये भी है कि खुद ऋषभ पंत ने इसे लेकर खुलासा किया है कि माही भाई ने उन्हें कैप्टन करने में पूरी मदद की, यानी कि धोनी की टीम ने यहाँ पर मैच तो गंवा दिया लेकिन सीएसके का खेल शानदार था और उससे भी ऊपर धोनी का दिलदार अंदाज जो कि पंत के काम आया, दिल्ली के भी काम आया। अब मैच में हार जीत तो लगी रहती है, लेकिन धोनी ने बीच मैदान में ऋषभ पंत को टिप्स देकर जीत के लिए मोटिवेट कर जो नई मिसाल पेश की वो कमाल है, और वैसे पहले भी धोनी ऐसा ही दिलदार अंदाज दिखाते रहे हैं। अब कुछ लोग धोनी के 0 पर आउट होने के बाद उन्हें ट्रोल कर रहे हैं, लेकिन उन्हें धोनी का अंदाज जरूर देखना चाहिए। तो आपका धोनी के इस दिलदार अंदाज, ऋषभ पंत के सबसे बड़े खुलासे पर क्या कहना है, कमेंट करके आप भी जरूर बताएं और वीडियो को अभी शेयर करें। क्रिकेट के हर नए अपडेट के लिए गेम ऑफ क्रिकेट को सब्सक्राइब करें और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि सिर्फ आपको मिले गेम ऑफ क्रिकेट की हर खबर सबसे पहले।